लेकिन इस फिल्म में है एक लल्लू प्रसाद, उनकी लव स्टोरी तो एकदम निराली है। आइए देखते हैं। ए, डुप्लीकेट चाबी दे रहे। अबे इसकी तो ओपन ही नहीं हो रहा है। ए, कांच तोड़ दे। अपन की गाड़ी अपन के लिए भगवान है, अगर अपन के भगवान को किसी ने टच किया ना तो अपन पागल हो जाता है। चुपचाप निकल ले यहाँ से बिड़ू। ए, तू झिंगुर हमें हाथ लगाएगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे क्या? यहाँ हमारा राज चलता है, समझा? इस गाड़ी को ना अब हम अपने साथ ही लेकर जाएंगे। अच्छा, फाइनल है ना, तो आजा देखते। ए, पहले EMI क्लियर कर, 7 महीने से 1 रुपया भी नहीं भरा है, ऊपर से हीरो बन रहा है। ये देख, सीजिंग ऑर्डर साथ में लेकर आए हैं। ए, लोग पे मुश्किलें आती रहती है इसलिए मैं नहीं भर पाया, नेक्स्ट मंथ भर दूंगा। चल अभी निकल ले यहाँ से, समझा ना? चले जाएंगे लेकिन गाड़ी भी साथ लेकर जाएंगे, पैसा भर देना और गाड़ी ले जाना। अच्छा, तू अपन की गाड़ी ले जाएगा? एक बार गाड़ी को हाथ लगा के तो दिखा, पिछले हफ्ते जो मार काट हुआ था ना वो इधर ही चार्ज इधर भी होगा। करके दिखाऊं क्या? दिखाऊं क्या? हाँ, ये भाई पिछले हफ्ते जो अपन ने मार काट किया था जरा इन लोग को बताना, मैंने कैसे सबको काट के फेंका था जरा बताना, इन्हें डिटेल में बताना। अरे बाप रे, लफड़ेबाज आदमी लग गया करे। बताना बताना। ए भिड़ू लोग, अगर अपन की मुंडी घिसक गई ना तो यहाँ पे कोई जिंदा नहीं बचेगा। बॉस जाने दो, बॉस आपसे हमारी पर्सनल दुश्मन थोड़ी ना है, हम तो फाइनेंस कंपनी के लिए काम करते हैं। ले लो बॉस, 1 महीना और ले लो, पर पैसे दे देना बॉस। ठीक है चल वट ले। ए चलो रे चलो, अगर जिंदा रहेंगे तो और भी वसूली करके जी लेंगे, इसके पीछे पड़ के मरना नहीं है यार। अरे भाई पिछले हफ्ते मनीष नगर में क्या हुआ था? और क्या हुआ होगा भाई, जैसे ही वसूली वाले आए होंगे और इसके हाथ से मार खा के गए होंगे। सर उस दिन ना मैं भी वहीं पर था सर। अपन को गुंडागर्दी छोड़े 3 साल हो गया है लेकिन अपन की गाड़ी अपन के लिए भगवान है, भगवान को कोई टच करे बर्दाश्त नहीं है। चुपचाप यहाँ से निकल लो नहीं तो लाशें बिछ जाएंगी, लाशें। अगर किसी में दम है तो आ जा, एक एक को काट के फेंक दूंगा मैं। अरे ये क्या कह रहे हो भाई, आप तो फालतू में गुस्सा हो रहे हो, किसी भी तरह का गलत काम हम कभी नहीं करते भाई। परसों तू बच गया लेकिन आज नहीं बचेगा। आज भी बच जाऊंगा बेटे। एवरी डे इज नॉट संडे बेटा। लेकिन एवरी संडे इज हॉलीडे बेटा। ए, आज संडे नहीं है बेटा, इसके साथ बहस करने के बजाय अपना काम पूरा करो, और भी वसूली करने जाना है। ए चल शुरू हो जा। ए, अबे, एक महीने का टाइम है तेरे पास, अगर पैसे नहीं भराना तो ऐसी जगह पर ले जाके छोड़ूंगा कि जीना हराम हो जाएगा तेरा। अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो हमारी बात को अपने भेजे में उतार ले, तेरे जैसे बड़े बड़े पागलों को हमने ठीक किया है, समझा ना? तुझे गाली देने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन एक गाली तो देना बनता है बेटा, तेरी तो। अबे इसकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट हिला के चला गया। ये भाई एक कटिंग देना। अरे भाई दिखने में तो मस्त पहलवान जैसे हो, उन सालों को तोड़ना चाहिए था ना। भाई मैं बापू का फैन हूँ, हिंसा कैसे कर सकता हूँ, मार काट तो सिर्फ बोल वचन है भाई, एक बंद देना ना। अच्छा ये सब हुआ क्या? अच्छा हुआ उस भिखारी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो गूंगा है सर, उसे बता बता बोलेंगे तो वो क्या बताएगा सर। ये बहुत बड़ा चैप्टर है यार, वहाँ उसकी चटनी बनाई होगी इसने। चटनी बनने वाले ही हिट होते हैं और देखते देखते सुपर हिट हो जाते हैं। गणेश। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, रायगढ़ के लिए एक ट्रिप है। कब जाना है सर? आज ही जाना है और छोड़कर जल्दी वापस भी आना है। मैं तुम्हें पार्टी का नंबर भेज रहा हूँ, अभी उनसे बात कर लेना। मैं चला रहूं भाई, अपना याद जगन्नाथ है। कहाँ जा रहा है? रायगढ़ जा रहा हूँ। कब आएगा? शाम को या फिर रात भी हो सकती है। ज्यादा घाई मत करना, आराम से लगाना ब्रेक मेरे भाई।
नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। सर सीधे वहीं रोकना है ना सर? हाँ रायगढ़ी। ओके सर। हाय हेलो नमस्ते, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो। मैं हूं आरजे पल्लवी और मेरा काम है आपकी फरमाइशें पूरी करना। दोपहर के 12 बज चुके हैं, सूरज की गर्मी भी बढ़ चुकी है और मुझे तो लगता है कि लोग मॉल वॉल से बाहर ही नहीं निकल रहे होंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि वहां फ्री में एसी की हवा जो खाने को मिलती है। हमारे पहले कॉलर का फोन। ऑटो शंकर नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं कैसा हूँ ये मत पूछिए मैडम, मेरा तो बहुत बुरा टाइम चल रहा है। मैं तो फिलहाल ऑटो में बैठकर दारू पी रहा हूँ। ये क्या सर, दिन में भी आप दारू पी रहे हैं? आज सवारी नहीं मिली क्या? नहीं मैडम, आज टेंशन में हूँ। आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। मैं उससे सच में बहुत प्यार करता था मैडम, उसके लिए पूरा कंगाल भी हो गया और फिर भी उसने मुझे धोखा दिया मैडम। धोखेबाज होती है लड़कियाँ, धोखेबाज होती है मैडम। मैडम मेरे लिए ना फूल और अंगार का मुझको पीना है, पीने दो। गाना बजाइए। नहीं वो नहीं, मुझे लगता है आपके लिए मुझे प्ले करना चाहिए मोहरा फिल्म का तू चीज बड़ी है मस्त मस्त वाला गाना। चलेगा ना? कोई भी चलेगा मैडम, बस दिल को छूने वाला होना चाहिए। बहुत सॉलिड दिल टूटा है, ज्यादा मत पिया करें, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। प्यार में ठोकर खाए हुए हमारे ऑटो शंकर भाई के लिए मोहरा फिल्म का गाना तू चीज बड़ी है मस्त मस्त प्ले कर रही हूँ मैं। आप सुन रहे हैं रेडियो टॉकीज अपना रेडियो। सर ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं, दरअसल इनको होती है दारू की लत लेकिन बदनाम करते हैं प्यार को। कौन जानता है, हो सकता है कि धोखा ही हुआ हो। मुझे तो लगता है सर उसे प्यार करना नहीं आता है। तो फिर कैसे करते हैं प्यार, तुमने कभी किया है क्या? किया है ना सर, और अभी भी करता हूँ। वो लड़की क्या करती है? ये सब मत पूछिए सर। क्यों भाई, क्या हो गया? ये एक लंबी कहानी है सर। अरे बताओ ना, जर्नी में टाइम पास भी हो जाएगा। यहाँ कहीं नाश्ता करने के लिए गाड़ी रोकोगे क्या? यहाँ तो नहीं है सर, आगे कहीं दिखेगा तो रोक दूंगा। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो भी पल बिताए हैं वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। रास्तों को पार करके आगे बढ़ सकते हैं लेकिन यादों को भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकते यार, है ना? मेरे तन मन में सिर्फ तुम्हारी ही यादें बसी हैं और तुमसे जुड़ी ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हारी याद दिलाती हैं। सर हमारी फिल्म के जो स्टार्स हैं वो इंडिया के बाहर ही क्यों घूमने जाते हैं? यहाँ घूमेंगे तो और लोगों को थोड़ी रोजी रोटी मिल जाएगी, उन्हें यहाँ भी समय बिताने का मौका मिलेगा। खैर छोड़िए ना उनकी बातें, मेरे गांव में एक लड़का है वो शादी नहीं कर रहा है क्योंकि उसका लव फेल हो गया या फिर कोई मर्दाना कमजोरी होगी। सर मैं अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी गाड़ी चलाता हूँ सर, लोन की वजह से बैंक वाले परेशान करते हैं और यहाँ कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बैंक से लोन लेके इस देश से ही भाग जाते हैं। सर ये जॉन और अभिषेक के बीच कुछ है क्या? अरे इन बड़े लोगों के बीच ना कुछ चलता ही रहता है। मेरा मतलब वो नहीं है सर, अगर मुझे जॉन और अभिषेक के बीच में खड़े होने का मौका मिला तो इतना सा लगूंगा ना, है ना सर? हाइट छोटी है ना मेरी। सर ये राखी सावंत और अर्णव गोस्वामी के बीच फाइट चल रही है ना, कौन जीतेगा सर? हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स तमिल और तेलुगु की फिल्म में विलेन की एक्टिंग करते हैं, वहां के हीरो लोग से मार खाते हैं, मैं देखता हूं तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है सर। सर मुझे एक डाउट है, ये पशु कल्याण वाले लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं क्या सर? क्या हुआ गणेश, चुप क्यों हो गए? ऐसे ही सर। क्यों, तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया इसलिए बुरा लगा क्या? ऐसी बात नहीं है सर। अरे दूसरों की बातें छोड़ो, अपनी कहानी सुनाओ यार। सर इस गरीब आदमी की कहानी भला कौन सुनेगा, मैं कोई हीरो थोड़ी ना हूं। अरे हीरो कोई आसमान से थोड़े ही आते हैं, आम लोगों के बीच में ही होते हैं हीरोज, जब लोग उन्हें पसंद करते हैं तो स्टार और सुपरस्टार बन जाते हैं। सब के सब अपनी अपनी कहानी के हीरो हैं, बस तुम अपनी कहानी सुनाओ। सर मेरी कहानी तो बिल्कुल अलग है सर। सर आप मेरे एरिया की कहानी जानते ही नहीं है सर। हमारे एरिया में एक बहुत ही खतरनाक औरत रहती है, बीसी चलाती है, ब्याज पे पैसे देती है। मेरी छावी की माँ है ना, मैंने उसे भी बीसी शुरू करवा दी, 3 महीने से पैसे नहीं दे पाया सर। लेकिन सर जब मैं बीसी के पैसे उसे देने गया ना
तो उसने मेरी कितनी इज्जत की मैं बता नहीं सकता हूँ सर। अरे माकड़ा, क्या समझ के रखा है? अगर तू टाइम पर पैसे नहीं भर सकता है तो झक मारने के लिए वीसी लगाता है। वीसी के पैसे लेने घर आती हूँ तो सुबह से गायब हो जाता है। हाँ, ये कुटला मैडम। मैडम मैडम कह रहे, मैडम बोल के सर पर चढ़ाता है क्या? कहा है वो हलकट सुनील? मेरे पास तुझे वही कुतरा लेके आया, मस्का मार के वीसी लगाने को बोला। अब भाई कहा वो हलकट? पता नहीं उसकी माँ ने कैसे उसको पैदा किया। मैं कोई आलतू फालतू नहीं है, बराबर निशाना लगा के तीर चलाती हूँ। हलकट, क्या समझ के रखा है तूने? क्या कह रही थी वो? बीप की आवाज क्यों थी बीच में? सर वो सेंसर की वजह से कट कर दिया। अगर वो मैं आपको सुनाता ना तो कान से खून निकल आता सर आपके। अगर मैं उसकी बातों पे बीप नहीं देता ना सर, तो सेंसर मेरी फिल्म पे कैंची चला देता, करियर शुरू होने से पहले ही खत्म। बड़े मजाकिया हो तुम। मेरी छावी जो है ना, उसकी एंट्री एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी सर। इस जमाने में भी उसने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे सर। क्या स्माइल थी सर उसकी। लेकिन उसकी मां की गालियों की वजह से ना मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा डाउन हो गया था सर। सर मरने के बाद चार लोग चाहिए होते हैं ना, इसलिए मैंने अपने चार दोस्तों को साथ रखा है। और जितने भी हैं ना, सब अपने आप में एक कैरेक्टर हैं सर। सामने से कहते हैं हाय अल्लाह और पीछे से काटते हैं मेरा गला। कुछ भी हो सर, सब खरा सोना है मेरे लिए। माय डियर फ्रेंड्स, शो। मैं जैसे ही बीसी के पैसे टाइम पे भरने लगा, मेरा लेवल उस लेडी के पैर से घुटनों तक पहुंचने लग गया था सर। अगर और ऊपर जाता ना तो मुझे उस लेडी से प्यार हो जाता। हेगे, तू मुझे अच्छी तरह से पहचान चुका होगा। ठीक से पैसे गिन ले, और हर महीने बीसी के पैसे और ब्याज मुझे टाइम पर आना मांगता है। अगर नहीं मिला ना तो मैं क्या करूंगी तुझे पता है। मैं अपनी छावी से मिलने के लिए बार बार बहाने ढूंढता था सर, इसलिए मैंने उसकी माँ से ब्याज पे पैसे उठाए, पर मेरी लग गई सर। माँ घर पर नहीं है, इसीलिए तो आया है अपन इधर। हाँ, कुछ नहीं, ब्याज के पैसे। तूने इस कर्टन से ही अपना ब्लाउज सिलवाया है क्या? हे, कैसी है तू? अपन की ड्यूटी खत्म हो गई। चाय कॉफी पिएगी? मैं चाय कॉफी नहीं पीती हूँ। चल दूध ही पी ले, मलाई मार के तेरे लिए मस्त बादाम और काजू डाल के बनवाऊंगा, मस्त टकाटक लगेगी। आज गर्मी बहुत है ना, अपने एरिया में पेड़ भी नहीं है। सोच रहा हूँ 4-5 पेड़ लगवा दूं मैं। वैसे पेड़ नहीं लगाते हैं, पौधे लगाते हैं। ओबे, मजाक कर रही है, मजाक करती है अपन से। अपना सब कुछ लुटा कर प्यार में लुट जाना ही जिंदगी होती है, सही कहा ना भाई? हाँ, सही बोल रहा है बड़ू। देवी के दर्शन हो गए ना, अब पैसे दे दीजिए। अच्छा सुन, आज संडे है, मटन खिलाऊं या चिकन? दोनों ही नहीं, चलो जाओ। बेटा अगर काम हो गया हो तो चले। तू कट ले, प्यार के नशे में पूरा टल्ली हो गया।
प्यार ना मिला ना लड़की मिली। इसे कुछ कहना है? क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है। तो फिर फूटो यहां से। ये कहाँ का बाल है भाई? ये अपन की चावी का बाल है। अरे घुंघरालू है ना, इसलिए पूछा भाई। ए, अपन की चावी के घुंघराले ही बाल हैं। घुंघराले बाल तेरे। साला पागल हो गया है, ऐसे पेश आ रहा है जैसे बाल नहीं बाल वाली मिल गई हो। यो, वो ड्राइवर है तुझे कब से फॉलो कर रहा है? तेरे पीछे आ रहा है या मेरे पीछे? अरे वो ना, मेरी माँ के पास उसने बीसी डाली, उसी बहाने बार बार मिलने चला आता है। वैसे बुरा लड़का नहीं है, ठीक ठाक ही है। चलना यार। रुकना, मैं बात करती हूँ उससे। अरे चलना, बोला क्या बात कर रही है तू? ए जरा इधर तो आओ। तुमसे ही कह रही हूँ, इधर आओ। इसकी चाल तो देख, कैसे हिलजुल के चल रहा है। कहिए मैडम, अपन को गाय के लिए याद किया। तुम ऐसे क्यों चलते, तुझे बवासीर है क्या? हाँ है ना, इलाज करेगी। ए, चलना तू। अयो, उसकी बोलती बंद हो गई। जिंदगी में पहली बार मैंने कट्टी चड्डी पहनी है। जबरदस्त खुजली की वजह से पूरा का पूरा मटेरियल हिल जा रहा है। मैं भी ना बेटा। गणेश, इस चड्डी के वजह से तू कैटवॉक करने लग गया है। पोपट बोलेगा, भविष्य बताएगा। आपके सारे समस्याओं के समाधान के लिए ये पोपट आपकी मदद करेगा। भाई 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 भाई, जो पूछेगा ये बताएगा। जो मनुष्यों को नहीं पता होता है ये पोपट जानता है बच्चा। अरे सवाल पूछ कर तो देखो। अपन के सवाल का जवाब मिलेगा इससे? हाँ, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। पोपट लाल, आगे दिखा अपना कमाल। इन साहब के सारे सवालों का जवाब ठीक से देना। आ पोपट लाल, दिखा अपना कमाल। अपना सवाल पूछो बेटा। प्रश्न तो बहुत ही सरल है बेटा, लेकिन उसका उत्तर बहुत ही कठिन है। तुम इस लड़की को भूल जाओ बेटा। अपना जीवन व्यर्थ करने से अच्छा है कि अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। अपन की जिंदगी में वही चाहेगी, यही अपना एम है। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, अपन उसका सामना कर लेगा। बड़ा है अपन को दिमाग देने वाला। ये ले पैसे पकड़। सारा दुनिया को अपन ज्ञान बांटते फिरता है और ये अपन को ज्ञान दे रहा है। ये चल। अरे पागल, उसके पीछे जाएगा ना तो तेरे पीछे पीछे परेशानी भी आएगी। अपन को देख के परेशानी के पीछे परेशानी पड़ जाती है। वो भाई की प्रॉपर्टी है। अबे कौन सा भाई? हमारा भाई, राइडर भाई। चला अच्छा पकड़। अरे पकड़, पैर पकड़। अरे क्या कर रहा है? चला अरे चला। नमस्ते राइडर भाई। कबड्डी 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 मारता काई को है? किया क्या है अपन ने? ये भाई का छोटा भाई है, फाइटर। राइडर भाई का भाई WWE का फाइटर? WWF में लड़ने वाला फाइटर नहीं, घुमा घुमा के फोड़ने वाला फाइटर है ये। बिना हमारे बात नहीं कर सकता, थोड़ा दूर से बात करो ना भाई। अरे इसलिए हम इसे फाइटर कहते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे अपन को बुला के धुलाई क्यों कर रहे हो अपन की? ए, तूने अभी अभी उसके पीछे घूमना तुलू किया है। पलमाला भाई दो थाल थे, हवाला कुत्ते की तरह उसके पीछे आगे पीछे घूम लाए। अगर लाजू बाजू ऊपर नीचे तू नजर आया तो तेरी खैर नहीं, समझा? चल निकल आते। अपन से गलती हो गई भाई। राइडर आप है तो घोड़ी पे आप ही चढ़ेंगे ना। यहाँ कुछ ज्यादा बोला तो धुलाई हो जाएगी बेटा। यहाँ से अभी निकलने में ही भलाई है, चल निकल ले बेटा। अबे क्या बड़बड़ा रहा है तू? हाँ देखो राइडर भाई, एक डरपोक को अगर आप इस तरह से मारेंगे तो इमेज आपकी डाउन होगी, अपन की नहीं। अपने भाई का वर्ड देख के डर गया क्या? लगता है हवा निकल गई तेरी। मानता हूँ कि वो अपन की छाबी है, लेकिन मैं उसे अपने सर पे नहीं बिठाता। अपन बापू का फैन है।
लेकिन गणेश तुम्हें उन्हें मारना चाहिए था ना। सर चार पांच लोगों को मैं अकेला कैसे मारता, उन्हें मारना आसान थोड़ी ना था, उन्हें मारना मेरे बस की बात नहीं थी सर। अरे वो लोग तलवार वगैरह लेकर आए थे क्या? मेरी लाइफ में इन सब चीजों की जगह ही नहीं है सर, इन सब चीजों से कोई हीरो नहीं बनता है सर, टैलेंट से ही इंसान हीरो बनता है। सही कह रहा हूँ ना सर? अच्छा बचपन में हम लोग खेलने के लिए बैट और बॉल मांगते थे, लेकिन आज के बच्चे दिन भर उसी मोबाइल में घुसे रहते हैं सर। सर आजकल के माँ बाप भी बहुत एंटिक हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल देते ही बच्चे पूरे ओपन हो जाते हैं, जब वो बिगड़ जाते हैं तो उन्हें डांटते हैं। चलिए सर। अच्छा फिर क्या हुआ? सर उस दिन ना लव डे था। क्या कहा? अरे सर लव डे, अरे क्या बोलते हैं उसे, 14 फरवरी सर। लव डे नहीं यार, वैलेंटाइंस डे बोलते हैं। अरे वही सर, मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपनी छावी को प्रपोज करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक हाथ में लाल गुलाब, दूसरे हाथ में ग्रीटिंग लेके निकल पड़ा था सर। अरे तुमको मैं कब से देख रही हूँ, तो इसके पीछे ही घूमता रहता है। इसकी अम्मा को ने जानता है ना? अपन इसकी अम्मा को अच्छी तरह से जानता है, इसकी अम्मा फूलन देवी है ना। मालूम होकर भी इसके पीछे घूम रहा है, अम्मा को बुलाऊंगी तो क्या हल करेगी तेरा? ए, चल अभी साइलेंट हो जाए, अपन को इसकी अम्मा और फैमिली से कोई मतलब नहीं है। अपन को जो चीज पसंद आ जाती है अपन उसके पीछे भागता रहता है, और जब तक वो चीज मिल नहीं जाती अपन शांत नहीं बैठता। बड़े भैया संभाल लेना। काम क्या है तुम्हें? अपन को शर्म आ रही है, दरअसल अपन तेरे को बहुत प्यार करता है, अपन तेरे लिए ग्रीटिंग फूल सब कुछ लेके आया है। विश यू हैप्पी 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 लव डे। अयो चल यहां से। क्या रे, कैसा प्यार कैसा लव डे? माँ कसम साड़ी में मेरी छावी बहुत अच्छी लग रही थी सर, देवदास की पारों की तरह सर। उस दिन मुझे फील हुआ अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं दूसरी देवदास बना दूं सर। ये भाई लोग, अपन के एरिया में कितनी लड़की लोग आई और कितनी चली गई, लेकिन अपन की छावी की जैसे कोई लड़की है ही नहीं। ए पटेल, हमने इतने कुत्तों को कार के पीछे भागते हुए देखा है, लेकिन कभी किसी कार के मालिक को उन कुत्तों को अपने साथ ले जाते हुए देखा है? ए, कितने सारे डॉगीज अपने मालिक की एसी कार में घूमते फिरते रहते हैं, अपन उस टाइप का है ही नहीं, अपन बहुत हार्ड है बॉस। ओहो, अपन की बात समझ नहीं आ रही। ज्यादा सिगरेट नहीं पीते हैं, फेफड़ा जल जाता है, वो सिनेमा में भी दिखाते हैं ना सिगरेट पीना हानिकारक होता है। मुकेश वाली पिक्चर नहीं देखी क्या? स्टार्टिंग में ही तो आती है। अरे यार, परसों हमसे कोई कह रहा था कि तुम्हारी छावी की वजह से तुमको कोई उठा कर ले गया, सही है? ए, किसने कब कहा और कैसे उठाया? अगर अपन पागल हो गया ना तो कोई भी नहीं बचेगा बड़ू, अपन सब यही की तू उन सबकी लाशें बिछा देगा, यही कहना है ना? मुझे भी याद है, आज तक एक कॉकरोच भी मारते हुए नहीं देखा और लोगों की लाशें बिछाने की बात कर रहा है। अबे जा साले, जा किसी और को उल्लू बना। ए छोड़ ना, क्यों बेचारे पर चिल्ला रहे हो? सुन यार, तेरे प्यार की हम सबको ममकार, उपकार, सहकार, इतना ही नहीं नमक मिर्च अचार सब है, जा। और अगर साथ में ये दर्शक लोग भी दुआ करेंगे ना तो अपन को अपन का प्यार मिल जाएगा। डेरी मिल्क फॉर समवन यू लव। क्या रे? मतलब क्या रे, मतलब तू इधर क्यों? तेरे को इससे क्या? तू शक्ल भी देखी तूने अपने आईने में, अब खड़े क्या हो? जाओ यहाँ से। अपन नहीं जाएगा यहाँ से, तेरे को भाव नहीं दिया इसलिए तू भड़क रही है ना। मेरे जैसी पे लाइन मारने की तेरी हैसियत भी नहीं, दोबारा इधर पैर रखा ना तो। ये चुप, तेरे सामने अपन कभी भी नहीं आएगा, समझी क्या?
पहले ढंग से हिंदी तो सीख ले। हिंदी भाषा की बैंड बजा के रख दी है, जाके हिंदी की क्लास ले कहीं। हिंदी ना आई तो शकल मत दिखाना। रास्कल, क्या इससे मुंह लगा रही है तू? मेरा मुंह लगने का नहीं, बहुत खतरनाक लड़की हूँ मैं। नमस्ते राइडर भाई। अबे साले भूत और भूतनी की औलाद, तू फिर उस लड़की के पीछे पड़ गया। वो लड़की भाई की प्रॉपर्टी है, अगर तूने उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा ना तो भाई तुझे काट कर तेरी बिरयानी बना देंगे। राइडर भाई अपन तो काम पे जा रहा था, वही अचानक से सामने आ गई तो मैंने देख लिया। मैं एकदम बीवी की तरह मानता हूँ उसे। तू परेशान मत हो यार, अरे कितने लंगूरों को अंगूर जैसी लड़कियाँ मिली है, ऐसे में तुझे नहीं मिलेगी क्या? सही है, वो तेरी छावी की फ्रेंड सुगुना है ना, अगर उससे पटा लिया तो तेरा काम भी हो जाएगा। क्या बोलता है राजा? उसी से इसका काम होगा। आइडिया तो सही है, पर इसको करने के लिए तो खिलाड़ी चाहिए। अपना राजा खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। अरे यार अब तू हमारा प्लान सुनो। अदंडा इदंडा, ऑटो ड्राइवर ना दंडा। वाह साड़ी में मस्त लग रही है, ए कॉफी पीने चलेगी क्या? तू रास्कल कौन है ये? रजनी। किधर का रजनी है ये? छोड़ ना, कहीं का भी हो, हमें उसे क्या लेना देना। Why this cola berry, cola berry, cola berry, डे डे, खारा हुआ क्या? तुम बंदर छाप। अन्ना मलई, अन्ना मलई। यार ये तो तेरे पीछे ही पड़ गया। कल रात को मैंने इदिली मुझे बहुत पसंद है। आ गई। जब से छाया है मुझ पर तेरा जादू, दिल करने लगा है जिंदगी मैं तुझ पर लुटा दूं। कौन है यार ये, देख जाके जरा। देख आज मैं इसका भूत उतारती। चाय पानी हुआ क्या? सुबह के टाइम पे चाय कॉफी पूछते हो, दोपहर के टाइम पे लंच के बारे में पूछते हो, दूसरा काम नहीं है क्या? बंदर जैसे मुंह वाले, एक सेकंड भी यहाँ रुका ना तो ऑटो के साथ तुमको भी गायब कर दूंगी मैं। ए तू किसे गाली दे रही है हा? तू मुझे मेरी ऑटो के साथ गायब करेगी हा? घुसा डालूंगा मैं अंदर, ऐसा बोलने ही वाला था मैं पर कंट्रोल कर लिया। राजा एक बार तन कर खड़ा हो जाने के बाद ढीला नहीं होने देने का। सीना तू भी घुस और अपना ऑटो भी घुसा दे। देखो राजा ये पहाड़ को खोदने चला है हथौड़ा लेके, या तो खोद डाल या फिर बोल दे बाय बाय। ये वंटा सिर्फ बाय बाय नहीं, उसे भूल जाना ही अच्छा होगा। ये ना हमेशा पीछे पीछे ही रहता है, जिंदगी में आगे कब आएगा? लड़का हो या लड़की हो पर बस एक ही हो, बच्चों को पोर्टफोलियो ड्रॉप समय पर पिलाओ, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, उनका भविष्य उज्जवल बनाओ। तो ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? बिना मतलब के मैं बात नहीं करता, फालतू में टाइम पास वाइम पास करके मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता। सुबह सुबह पकाता रहता है तू, पीछे पीछे आता रहता है, खाना खाता रहता है। आगे बोल मत, मैं खाना भी खाता हूँ। क्या चाहिए तुमको? तुम्हारा साथ चाहिए, सिस्का एलईडी लाइट्स की तरह मैं तुम्हारी जिंदगी रोशन कर दूंगा। अबे फर्नीचर, गवर्नमेंट ऑफिस में लटकते हुए जीरो वॉट के बल्ब सिस्का जैसी एलईडी कंपनी का नाम बर्बाद करने लाए। माँ बाप ने सिखाया नहीं क्या एक शरीफ लड़की से किस तरह से बात करते हैं? ट्यूशन दूं क्या? ए तेरे को पता नहीं है अपन की छावी की दोस्त है तो अपन की भी दोस्त हुई ना? अपन की छावी मेरी बीवी बनेगी तो ये मेरी साली, जीजा साली के बीच में आएगा तो कनेक्शन काट दूंगा। ए हमारे आपस की बात है, बीच में आया है इसलिए तू चुपचाप सॉरी बोलकर सीधा 9-2-11 हो जाए यहाँ से। नहीं गया तो? तू मेरे बारे में नहीं जानता, मैं ना एक काले जहरीले नाक की तरह हूँ, अगर अपना फन खोल कर खड़ा हो गया ना तो तू बच नहीं पाएगा। अबे काले नाक, तेरे जैसे काले नाक अपन ने बहुत देखे हैं, एक नाक तो अपन के जेब में भी पड़ा है समझा क्या? अगर उसे दिखा दूंगा तो तू यहाँ से भागता ही नजर आएगा, मुझे अपने नाक की एग्जीबिशन नहीं लगानी है, चल अभी निकल ले समझा क्या? वट ले। ए, मैंने भी तेरे जैसे बहुत से लोगों को देखा है, दुनिया पूरी दुनिया को देख चुका हूँ। पूरी दुनिया देखी होगी लेकिन अपन के जैसा नहीं देखा होगा, अब अपन तुझे दिखाता है कि अपन है क्या। चल भाग यार ले। देख लूंगा तुझे मैं, हाँ छोड़ूंगा नहीं। पागल है क्या? अपन तेरे को नहीं दिखाएगा, अपन अपनी छावी को दिखाएगा, चल भाग यहाँ से। ए साली तेरे को डरने का नहीं, जब तक तेरा जीजू यहाँ पे है ना तुझ पे कोई नजर भी नहीं डाल सकता है समझी क्या? डरने का नहीं। ये सब तुम्हारी सेटिंग, ये मुझको मालूम, वो ऑटो वाला तेरा फ्रेंड है ये भी मालूम। तू भविष्य जानती है क्या? सुना अपन बहुत अच्छा लड़का है, क्या ना तू पढ़ जाएगी तो तेरी फ्रेंड भी पढ़ जाएगी। एक तीर से दो शिकार करना चाहता, तेरे घर में डबल बेडरूम है क्या? ये अपन के वंटे लोग का आइडिया था।
ये ना इतना प्यारा। अब तेरे को क्या बताऊं, उसके बिना जीना मुश्किल है। तुम्हारे जैसा एक और आशिक उसके पीछे पड़ा, परसों क्या हुआ तुमको मालूम? देख देख वही मवाली लोग आ रहे हैं। चांदनी रात में दिया तेरे हाथ में 9 लाख का हार, शादी कर लो तभी मिलेगा। सच कह रहा हूँ, ऐसा पति नहीं मिलेगा भाभी। क्या है तेरे भाई को ज्यादा खुजली हो रही क्या? खुजली हुई तो खुजाने के लिए हम है ना, यू डोंट वरी। मैडम टू डेज से भाई आपको मिस कॉल दे रहा है, आप भाई को फोन क्यों नहीं करती? हाँ भाई से नाराज है क्या या रिचार्ज खत्म हो गया है? ओ, तो वो तुम हो जो मिस कॉल देता है? अगर वापस मिस कॉल दिया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं क्या चीज हूँ ना, तुम्हें दिखा दूंगी। आप दिखाएंगे यही सोचकर तो रोज मैं आ रहा हूँ, तो आप यही दिखाएंगे या? देखना कैसे डबल मीनिंग में बात कर रहा है। रोज कलो मैं तुमको समझा रही है, ज्यादा दिमाग खराब मत कर। नहीं जाऊंगा। क्या करोगी? नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा। अच्छा भाई ना मर्द है, औलादी बॉडी है इनके, इससे भाई का बाल भी बाका नहीं होगा। तुझे तो मैं रुक बताती हूँ। ओए ओए चल चल रो चल चल चल। अभी भी फर्क नहीं पड़ा तो तू मर्द ही नहीं है, चल रहे। अरे बाप रे, तुम ना बहुत अच्छे हो, उस लंगूर से तो अच्छे हो। उसका पीछा छुड़ाओ अम्मू तुमसे पट जाएगी। पत्थर की मार से तो दिल मार भारी, हमारे भाई की प्रियंका, तेरे लिए भाई का दिल धक 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 प्रियंका। हमारे भाई जैसा सुंदर लड़का नहीं मिलेगा। हाँ लड़का अब तो अंकल समझ लो। यन्ना आज नॉर्थ पे से करके कड़ा है भाई, ईस्ट फेसिंग गल के खला होगा तो आप लोग पथराव कर लोगे ना, इसलिए पहले से ही भाई सेफ पोजीशन में खला है। एनर्जेटिक तो है ना? उसे क्या होगा, वो गन गन जैसा है। नमस्ते राइडर भाई। तेरी तो तू साइड में आ रे, तेरा नमस्ते ना तू अपनी जेब में रख साले, तू फिर बीच में क्यों टपक गया साले ड्राइवर? हमारे भाई की गर्लफ्रेंड के पीछे मत पड़ बोला फिर भी समझ नहीं आता। ये ले पकड़िए 500 रुपए, पूरे 500 रुपए है, 490 रुपए का पेट्रोल डलवा ले और 10 रुपए का विमल पान मसाला खा लेना, उसके कण कण में केसरी शक्ति है, चल जा। भाई ड्राइवर लोग की बुराई इस तरह से नहीं करते हैं, एक सुपरस्टार भी ड्राइवर था, ये आप अपने पास ही रखिए, अपन पैसा थोड़ी नहीं लूटता, कोई पुलिस थोड़ी ना। ए, तो फिर तू आया क्यों? तुझे दिखाई नहीं देते कि भाई कितना बिजी है? चुपचाप निकल यहां से। ए भाई चलो ना, आप उनको तेरे से कुछ काम है भाई। क्या रे भाई से तेरे को क्या काम है रे, भाई को काहे को लेके जा रहा है? भाई को गड्ढे में गिराने का इतना शौक है तो ओ भाई मैं आपकी लाइफ बना दूंगा, बहुत मजा आएगा। ए, तेली तो पूरी लाइफ ही फतीतल है और तू भाई की लाइफ बनाएगा, चल पाक। ए, तेला बहुत जिद कर रहा है। आप बहुत अच्छे हो भाई। आंटी आंटी क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? काय रे? और एक लड़का खड़ा है आंटी। कौन लड़का? आपका होने वाला दमाद। हाँ मैं आपकी बेटी से शादी करेगा। काय बोल रहा? मैं नहीं वो बोल रहा आंटी, इसी एरिया में रहता है, आपकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है आंटी, अपने लड़के भेज के उसे परेशान करता है आंटी, अपन को भी चिढ़ाता है, लेकिन आपकी फैमिली का मैटर है इसलिए अपन ने कुछ भी नहीं बोला। आता तू बगच में तेजी काय हाल करते, उस साले बंदर को मैं अभी दिखाती हूँ। यस राइडर भाई, आपकी सासू माँ आपको बुला रही है, अंदर जाओ खातिरदारी करवाओ, मस्त खातिरदारी होगी आपकी भाई। सब बात हो गई। राजा बहुत छुपा रुस्तम निकला तू। राइडर भाई इस खुशी पे एक सेल्फी लेते हैं, आ जाओ भाई। राइडर भाई इसमें थोड़ा जीभ बाहर निकालो, ये चुम्मा लेते हुए। ऑल द बेस्ट राइडर भाई, यू कैन गो नाउ। हमारे भाई का नाम राइडर है, उस ड्राइवर ने बताया होगा ना आपको। यही लड़का है क्या? सुना आप मेरी बेटी के साथ रहना चाहते हो? अबे बंदर जैसी शक्ल वाली पाले से के जैसे कौवा पार्टी किया, समझ के क्या रखा तूने मेरी बेटी को? हाँ?
भागो चल 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 क्या किया इनके साथ इन्हें मारा है अपन किसी पे हाथ नहीं उठाता अपन तो दिमाग से काम करता है अगर दिमाग ना चलाया जाए ना तो दिमाग में जंग लग जाता है राइडर भाई को तो मैंने आईना दिखाया है रोज वो तेरे साथ छेड़छाड़ करते थे ना आज तेरी माँ ने इज्जत लूट ली इनकी ए, 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 सत्यनाश हो तेरा अबे कैसा इंसान है तू हमें वहाँ फंसा कर इधर आकर आराम से बैठा तू क्या सोच के उधर हमको भेजा था तूने हाँ जानता है उस औरत का मुँह है या गटर है पता तुझे तू तो इधर बैठा है भाई को नाली समझ के भाई को ऊपर कैसे थूका है खाली मुँह ही बचा है देखना राइडर भाई भाई का नाम दोबारा अपने मुंह से मत लेना साले तूने ऐसी आग लगाई कि भाई का सब कुछ जलकर खाक हो गया एक अच्छे खासे मर्द पर एक नामर्द का ठप्पा लगा दिया तूने अगर भाई उस गल का दामाद बन गया ना तो वो उसे भूनकर खा जाएगी मेरी दीदी मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है नमस्ते राइडर भाई नमस्ते राइडर भाई तो तुम हो बहुत जल्दी ऊपर जाओगे कंटिन्यू बेटा अगर प्रश्न स्पष्ट होता है ना तो उसका भी उत्तर वैसा ही होता है प्यार के पीछे मत पड़ बेटा बहुत दुख झेलना पड़ेगा मुंह में ले ले नली ले ले अबे राजा ले अबे बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा ये यार नली खाएगा हे hey, वहाँ प्यार में लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं और तू यहाँ पे इसके साथ नली नली खेल रहा है अरे मैडम नमस्ते नमस्कार क्या कर सकते हैं किस्मत की बात है मामूली लड़की होती तो हासिल कर लेते उसे पाना बहुत ही मुश्किल है यार अब तू समंदर में डुबकी लगा चुका है तो तू ही संभाल यार मुझे अपना काम करने दे ले मुँह में ले अबे कितना मुँह में देगा बे मुझे कब मौका मिलेगा मजा आ रहा है ना हेलो अब्दुल भाई मैं अपनी छवि को कैसे अपना बनाऊं ये सोच के परेशान हो रहा था इस वजह से मुझे टेंशन भी बहुत हो रही थी फिर एक दिन मुझे उसका रास्ता मिल गया हमारे एरिया में एक बहुत ही खतरनाक गुंडा है जिसका नाम है अब्दुल भाई वो किसी की भी परवाह नहीं करता था वो सिर्फ लेना जानता था मेरी छवि की माँ से उसने 1,00,000 रुपए लिए थे वापस लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा था वो मानता हूँ कि मेरी सास बहुत डेयरिंग वाली थी पर उसके सामने उसकी भी फटती थी इसलिए एक दिन उसने पैसे लेने के लिए अब्दुल भाई के पास अपने पति को भेजा क्या रे मच्छर आज तो यहाँ कैसे आ गया तेरी जोरू कहाँ है तुम्हारा नाटक बहुत हो गया है इसकी वजह से उसकी बीपी बढ़ गई उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या 1,00,000 रुपए लिए कितने दिन हो गए तुम्हें जल्दी से पैसे वापस करो ओए, अरे दे देंगे पैसे हम कहीं भागे जा रहे हैं क्या सगुना मेरे पिताजी है नहीं अब बहुत हो गया भाई हमारे पैसे वापस दो मैं चला जाऊंगा यहाँ से मुच्छर देख नहीं रहा मैं खेल रहा हूँ बाद में दे दूंगा मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या ओहो, तुम भाग जाओगे तो हम छोड़ देंगे क्या मुच्छर अब्दुल भाई हा? गणेश तू अखाड़े में उतर चुका है बेकार में पंगा मोल लिया तूने सब देख रहे हैं तेरी छवि के साथ मेरी छवि भी है अपनी इज्जत का सवाल है यार अच्छे से मेंटेन कर मेरे भाई मेंटेन कर ए गणेश सीना जौन है ना खुद तान के खड़े रहना साला पागल हो गया क्या भाई ऐसे लल्लू पंजू लोग हमारे सामने सीना तान कर खड़े हो रहे हैं अंकल आप उधर जाइए अरे जाइए ना आप क्यों गए पापा ओहो राइडर राइडर प्लेयर सब यहाँ पर मजे लेने आ गए उस दिन तू हमें बसाया था ना आज तू बचने वाला नहीं है हाँ बेटा आज सब तेरी बजाने वाले हैं अरे आज अपन सबको देख लेगा अरे बेटा तू जरा पावर ड्रिंक ला आ,
अपन ज्यादा बात नहीं करेगा, सारे के सारे पैसे इमीडिएटली खाली कर। क्या कहा? पैसे इमीडिएटली वापस कर। अगर पैसे नहीं दिए तो? अगर तूने अब उनको शांति से पैसे दे दिया तो अपन तेरे गले मिलेगा, हाँ। और अगर नहीं दिया तो गर्दन उड़ा देगा। नहीं दूंगा, जा जा, तुझे जो करना है कर ले, जैसे बुलाना है बुला ले। अपन को कम मत समझना बेटा, अपन का एक फोन कॉल ही ना सारा काम कर देता है बिड़ू। भाई फोन लगाने की बात कर रहे हैं, करिए 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 करिए, फोन करिए। हाँ हाँ फोन करिए, लगाइए लगाइए, फोन लगाइए भाई, लगाइए लगाइए, फोन लगाइए लगाइए। हेलो, अपन का नाम है गणेश और गण्या, मेरे बारे में उसे बता दे। ए, कैच कर। हेलो अब्दुल भाई, मैं चाय वाला पक्या बोल रहा हूँ। भाई मैं आपके पैर पड़ता हूँ, उसके साथ झगड़ा मत करना, आप पैसे भी मत देना, सब गणेश शटल कर देगा। भाई वो जया आंटी की बेटी से बहुत प्यार करता है, आप भी तो जानते हैं। वो लफड़ा झगड़ा करने वाला आदमी नहीं है, बस वो थोड़ा इम्प्रेशन जमाना चाहता है, उसे कुछ मत करना भाई। थोड़ा सा सपोर्ट करो, आप नहीं तो कौन हमारी सपोर्ट करेगा। अरे यार तू जो कर रहा है और जिस स्टाइल में बात कर रहा है, दोनों में बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। अरे वो डरपोक है भाई, आप उस पर गुस्सा मत होइए। हाँ हाँ हाँ, क्या वंटा, अपन के बारे में सब समझा दिया ना उसे, अगर अपन उसके सामने गया ना तो वो कुत्ते की तरह मुझे मारेगा तो नहीं। तुम्हारे बारे में भाई को सब बता दिया है, तुम्हारी औकात क्या है ये उन्हें पता चल गया है, तुम बिंदास सामने जा सकते हो, वो पटे में टांग नहीं डालते। चल अभी ज्यादा मत बोल, समझा ना। ए चल फोन रख अभी। पापा जी आपको इससे पैसे लेने हैं ना, इसकी टेंशन आप मत लो, अपन है इधर। कल आंटी के पैसे जमा हो जाएंगे, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, ये खुद लाके देगा। भाई मैं पैसे भर दूंगा, आप कुछ मत देना। एक ही चुटकी में सबको खत्म कर देगा कह रहा है। ओए, ओए यार। भाई प्लीज गुस्सा मत हो ना। देख अगर कल तक तूने इनके पैसे नहीं लौटाए नहीं ना, भाई सच कह रहा हूँ मैं अपना गला काट के मर जाऊंगा। ये क्या यार, अब्दुल भाई की गर्दन पे छुरी रखा है। बाप रे बाप, ये खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, मैं तो ऐसे ही मर्द से शादी करूंगी। बाप रे, शेर की गुफा में घुस के शिकार कर लिया भाई, उसके शरीर में 90 ml का करंट दौड़ रहा है। अब्दुल भाई ये आपके लिए मेरी लास्ट वार्निंग है, माफ कर दो, काट डालूंगा मैं। रेजर से किसी का गला कटता है क्या, जबरदस्ती का मुझे टेंशन दे रहा है। कल तक अगर तूने इनके पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझा ना। भाई आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपके अड्डे पे आऊंगा और आपके पैरों में गिर जाऊंगा। तू सच में बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मुझे चारा बनाकर बड़ी मछली को फंसा रहा है। क्या करूं भाई, प्यार का सवाल है ना। हे मुछाड़, कल भाई के हाथों पैसे भिजवा दूंगा, जा। क्या यार, बॉस से पहचान है, बताना चाहिए था ना। ये क्या यार, भाई उसे बॉस कह रहा है। अंकल आप जाइए और मेरी वीरता आंटी को बताइए। चल अभी निकल, चल चल, कल्टी मार कल्टी। ए रुक जा इधर आ, इधर मैं जानता हूँ तेरी फट गई है, चल इस पे चुम्मी दे मुझे, बिल्डअप कर रहा हूँ भाई। चल चल निकाल, ओके ओके भाई लोग, चलो कल्टी मारो कल्टी, चलो निकलो, दिखाई मत देना, अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम है तो बताए। लारे लारे,
कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार बहरा भी होता है। मेरे पोपट की भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती। लड़कों की जिंदगी में दोस्त के होने से हिम्मत मिलती है, टीचर्स के होने से तरक्की मिलती है, माँ से ममता मिलती है, बाप से नाम, और अगर लड़की आ जाए तो सब कुछ। मेरी छावी बचपन से ही बहुत क्यूट थी सर। वो इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे सेट करना चाहता था। अरे वाह, लगता है हम लोग पुणे पहुंच गए ना। नहीं सर, अभी बस 100 किलोमीटर बचा है, हम जल्दी रायगढ़ पहुंच जाएंगे। तो किसी तरह से दिमाग लगा के तुमने अपने प्यार को पा ही लिया। अच्छा ये बताओ, तुमने पढ़ाई कितनी की है? सर मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, और मेरे जो पढ़ने की स्टाइल है ना, वो भी बहुत दमदार थी सर। हेड या टेल? हेड। टेल। मेरा टेल फिक्स है, डाल। देखना, हेड आएगा। यार तूने अपने पीटी मास्टर की बात सुनी? कहते कि हम सब लड़कों को बिगाड़ते हैं। ओहो, सब अच्छे हैं, हम ही लोग बिगड़े हुए हैं। अब की बार पास होके दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। ए, वो देखो सविता जा रही है, देखने के बाद भी अनदेखा कर रही है। देखो ना भाव का। बात करूंगी तो एग्जाम में दिखाना पड़ेगा सोचकर। ए क्या सविता, पढ़ाई अच्छी चल रही ना? एग्जाम दिया या नहीं? मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। सुनना, तू मुझे अंकगणित दिखाना, मैं तुझे बीजगणित दिखाऊंगा। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगी तुम लोगों को, बता देती। अरे दिखाना, मैं तुझे चोकोबार खिलाऊंगा। अरे लेट हो रहा है एग्जाम के लिए, मैं जा रही हूँ, तुम लोग भी जल्दी जाओ। सविता मुझे ऐसा धोखा देगी, मैंने सोचा नहीं था यार। 15 नंबर तो छोड़ दे, 2 नंबर कभी नहीं दिखाया, कमीनी। या या, फर्स्ट क्लास पास हो गई वो। या या, हमारे देश में कितना कुछ बदल गया है, लेकिन पासिंग मार्क्स आज भी 35 ही हैं। या या, उतना भी हम नहीं ले सके यार, ये दुनिया अपने लिए नहीं है। हाँ यार, अगली बार सप्लीमेंट्री में दिखाएंगे कि हम क्या है। या एग्जाम में पास होने का एक शॉर्टकट बताता हूँ, नीचे एक नोट लिख देना, भगवान ही सबका करता धरता है। या या, अगर हमें पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे तो आपके बच्चे जिएंगे। या या, अगर आपने हमें पास किया तो आपका परिवार सुखी रहेगा। या या, और अगर आपने हमें फेल किया तो तेरी माँ। या 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 या, 7 साल से सप्लीमेंट्री एग्जाम लिख रहे हैं, सप्लीमेंट्री में भी फेल करेंगे ये लोग, सपने में भी नहीं सोचा था यार, दुष्ट पापी लोग। पास होने के लिए हम तैयार हैं, पर ये लोग है कि पास करना ही नहीं चाहते। सुना है कि सविता हमारे स्कूल में टीचर बन के आ रही है। अरे रे, अभी तक पास नहीं हुए क्या? सप्लीमेंट्री एग्जाम ही दे रहे हो अभी तक? तू तुम्हारी जिंदगी पर डूब मरो कहीं जाकर, जिंदगी बर्बाद। हमें सब बेइज्जती करते रहते हमारी। ये दुनिया ही ऐसी है यार, ये दुनिया हम लोगों के लिए नहीं बनी है यार। नहीं, इसलिए मैंने एक फैसला किया है, मैं अब मुंबई जाऊंगा। मुंबई जाओगे? स्टॉप, यू टर्न, यू टर्न। मतलब राइट जाना है। जोर से बोलो। राइट जाना है। अब मैडम वो तो मुझे लग रहा है गलत समझ लिया क्या? ये क्या है? साइकिल। ये इसके बाजू का भोपू। हान हान मैडम। ये आगे का रास्ता जरा सकरा है। ठीक है ठीक है। पास तो कर दिया, लेकिन जरा आंखों का भी इलाज करवाओ, नजर ठीक नहीं है तुम्हारी। लाइफ में पहली बार, पहले अटेम्प्ट में मैंने कोई पहली परीक्षा पास की थी, वो था एलएल टेस्ट। ओवर टू इकबाल भाई। इकबाल भाई, भाई आप इस कपड़े में बहुत जच रहे हैं, एकदम झकास लग रहे हैं भाई। ए पंटर, इधर आ, देख। दिखाओ ना भाई। ऐसे सीधे सीट पर बैठने का, फिर गाड़ी स्टार्ट करने का, फिर क्लच फुल दबाकर फर्स्ट गियर में डालकर एक्सीलेटर बढ़ाकर धीरे धीरे आगे जाने का, समझा? हाँ, समझ गया ना? समझ गया भाई, समझ गया, समझ गया। आ, आ बैठ। जय हो। हे, ज्यादा हॉर्न नहीं दबाने का, साउंड पोल्यूशन होता है। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। हाँ।
अरे 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 क्या कर रहा है? अरे अरे क्या कर रहा है? अरे गाड़ी की ब्रेक लगा के कैसे कंट्रोल मार रहा है? अरे अरे रोक क्या कर रहा है? क्या भाई, अरे पागल है क्या? जलेबी के माफिक चल रही है भाई, वाह। अरे इसे कहां से लाया है तू? इसे सर्कस में भेज देता, समझा इसे। अरे यार गाड़ी ऐसे घुमा रहे जैसे सर्कस में चला रहा हूँ। अरे इकबाल भाई के सामने काहे ऐसा कर रहे हो? मेरे सामने नहीं, पीछे से भी नहीं करना चाहिए। मालिक क्या होता है? मालिक भगवान होता है भाई। बेटा मुझे रोज चर्च जाना होता है, मुझे एक ड्राइवर चाहिए था, इसीलिए तुम्हें अपॉइंट किया है। हमारे दयालु और करुणा में परमेश्वर की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी बेटा, आमीन। हे हमारे परम पिता परमेश्वर, हमेशा आपका नाम ऊंचा रहे। जब तक हम जिंदगी में कुछ ढंग से ना कर पाए, तब तक कम से कम अपने चरित्र को तो ठीक रखें, आमीन। बेटा जान बचाने के लिए डॉक्टर बनना जरूरी नहीं हाँ। है, एम्बुलेंस को रास्ता देकर भी जान बचा सकते हाँ। हैं। और बेटा स्कूल के पास हमेशा गाड़ी आराम से चलाना हाँ। और अपना एक हाथ हमेशा स्टीयरिंग पे ही रखना जी, और दूसरा हाथ हमेशा गियर पे हाँ। गाड़ी के गियर पे बेटा। अरे अपन तो मजाक कर रहा था फादर, सब ठीक है ना भाई? मुझे क्या हुआ है? ए चलना, लेट्स गो, आर यू रेडी? वैसे प्यार का इजहार होने के बाद क्या हुआ? अरे अब क्या बताऊं सर, हम लोग छुप छुप के मिला करते थे, प्यार का इजहार होने के बाद भी वो बहुत शर्माती थी सर, उसे भी देख के मुझे भी शर्म आ जाती थी सर। आपने कितनी पढ़ाई की है? अपन ने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, हर चीज के जम के पढ़ाई की है। अच्छा ठीक है, मेरा स्कूल आ गया, आप जाइए। आप अपना नंबर दीजिए ना, या फिर एक मिस कॉल ही मार दीजिए। बैलेंस नहीं है। लड़कियों के पास बैलेंस होता ही कब है? अपन लड़के लोग ही तो रिचार्ज करते हैं, नंबर दीजिए रिचार्ज करवा दूंगा। अरे कहाँ जा रही है? जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल होल्ड पर रखी है। लेकिन तू अपन के नेटवर्क एरिया में आ गई है ना, अपन के लिए इतना ही काफी है। माँ का अर्थ जन्म है, प्रेमिका का अर्थ मरण है, ऐसा तुम लोग ही तो गाड़ी के पीछे लिख कर घूमते रहते हो। ये तुम्हारे भेजे में बात क्यों नहीं घुसती है? ए चिचा क्या हो गया तेरे को? काई को अपने पीछे पड़ा है, जब देखो तब पीछे आ जाता है। अपन खुश है अपनी जिंदगी से, काई को दिमाग खराब कर रहा है। प्यार के चक्कर में मत पड़ो, बहुत दुख मिलेगा। ए चिचा शुभ शुभ बोलना। ये तोता सुखमनी के वंश का है, तुम्हें या मुझे पता नहीं होता, वो इसे पता होता है, जानते हो ना? ए चिचा चल अपने बारे में ही पता कर ले, चल निकल। भविष्य बता रहा है, दिमाग की माँ बहन कर दी है। यहाँ चल रहे सभी दृश्य काल्पनिक है, ऐसा कहने का मतलब है कि हम शराब नहीं पी रहे हैं, यही ना? ए गणेश तू ऐसे क्यों पी रहा है? ऐसे डायरेक्ट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, सिप बाय सिप पीते हैं बेटा। अमन टेंशन में है, बहुत टेंशन में है। अरे तुझको सोने जैसी लड़की मिली है, अरे फिर भी किस बात का टेंशन? अरे अरे आप तो जरा खुश हो जा। ए, वो पेड़ के पास बैठा रहता है ना वो पोपट वाला बुढ़ा, वो कहता है कि उस लड़की के पीछे मत पड़ वरना बर्बाद हो जाएगा, इसलिए ये जब भी पीता खाली होकर टेंशन में चला जाता है। ए गणेश अरे इतना सोचो मत भाई, टेंशन में पीना अच्छा बात नहीं है, तेरा लीवर खराब हो जाएगा। ए वंडे लोग कल अपन की छावी का विश यू हैप्पी बर्थडे है और कल अपन उससे शादी की बात करेगा। वंडे लोग तेरा साथ चाहिए, तू सपोर्ट करना, सबका सपोर्ट चाहिए अपन को, हाथ जोड़ता है अपन। तू ना येलो ड्रेस में रॉपचिक लगती है एकदम। बदबू आ रही है, कौन सी पीकर आए हो? ए, अपन थोड़ा महंगी वाली पीता है, 150 रुपए की क्वार्टर स्कॉच मारी है। 150 रुपए में अंडरवियर नहीं आती है, स्कॉच कहाँ से आएगी यार, ज्यादा मत बोल। मेंटेन कर, मेंटेन कर। तुम अभी पी के आया क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, पी के फिल्म देखने के बाद मैंने पीना ही छोड़ दिया। क्या बात है, उससे शादी करनी है अपन को। और उसके बाद? उसके बाद अपन बच्चा पैदा करेंगे, अच्छी सी जिंदगी जिएंगे। टीक से खड़ा तो नहीं हो पा रहा, और जिंदगी कैसे जिएगा? हाँ होने की टाइमिंग बहुत अच्छी है, अकेले में मिलना बताऊंगा। क्या कह रहे हो, इस ड्राइवर पर भरोसा मत करना, ये तुम्हें स्टेपनी बना देगा। बहन जी तेरा भी होने वाला पति ड्राइवर ही है। अगर तुझे स्टेपनी बनाया ना तो मैं गियर ही तोड़ दूंगी।
अगर मैंने मना किया तो? अगर तुमने मना किया तो मैं दारू पी पी के मर जाऊंगा। देखो मैं सीरियसली कह रही हूँ, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है और ना ही सिर्फ मौज मस्ती करना है। जिसे प्यार करते हो उसे दिल में बसाकर उसका ख्याल रखना पड़ता है। स्टॉप स्टॉप, आज मेरी जान का हैप्पी बर्थडे है, सब खुशी मनाओ, मजे करो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, ये देखो इसको क्या कहते हैं, ये लो जानू तुम्हारे लिए, ये गुब्बारे पिचका के रख देना, बाद में काम आएगा। तुझे नजर ना लगे, किसी की नजर ना पड़े, इसकी नजर ना लगे, इसकी नजर ना लगे, तू हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे। ले भाई मिठाई का कहाँ है, ले ले ढूंस ले, ले भाई जानू। अच्छा सुनो, खोलो ना, ये लो। अरे अरे मार कारे लिए। पी कर आए और शादी की बात कर रहे हो, कैसे विश्वास करूं तुम्हारा? मुझे मिठाई नहीं खिलाओगे? खोलो ना, डाल देता हूँ, ऐसे जिंदगी भर तुझे खिलाता रहूंगा, तू बस खाती रहे। तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे क्या? हाँ? गणेश, भाग्य की लक्ष्मी दरवाजे पर आई है, अरे अंदर लेके दरवाजा बंद कर ले। गणेश सर, जरा यहाँ रुकना, तो एक सिगरेट पीने का मन है। ओके सर। ओ, मेरी मंगेतर का फोन है। गणेश, इफ यू डोंट माइंड, एक डेयरी मिल्क लेकर आओगे क्या? हाँ? उसे डेयरी मिल्क चॉकलेट बहुत ही पसंद है यार। ये लो गणेश। ठीक है सर। हाँ जानो। हाँ, ऑन द वे हूँ, यही कुछ एक डेढ़ घंटे और लगेंगे। हाँ, समय पे पहुँच जाऊँगा, सफ़र बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। अपना ड्राइवर बहुत अच्छा है, दोस्त बन गया है मेरा, उसकी लव स्टोरी सुनता हुआ आ रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। थैंक यू गणेश। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट भी ले लिए। ओके ओके, मैं कॉल करता हूँ। ओके। हाँ गणेश। हाँ सर। उसे मेरी बहुत फिक्र है। वैसे गणेश, तुम्हारे लव स्टोरी में सिर्फ रोमांस और कॉमेडी ही है क्या, एक्शन फाइट ये सब नहीं है क्या? क्यों नहीं है सर, बताता हूँ, सुनिए। मेरी छावी के लिए ना उसकी माँ लड़के देखना शुरू कर दी थी, एक लड़का मिला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो लोग उसे देखने के लिए घर आए, तभी मेरी छावी का फोन आया। तुम लड़कियाँ ना डॉक्टर इंजीनियर से शादी करती हो और उसके बाद अपनी लाइफ सेटल कर लेती हो, मरते तो यहाँ ड्राइवर लोग हैं। अब क्या करूँ बताओ? तुझे कुछ नहीं करना है, एक बार उसे बाहर तो आने दे, अपन उससे बात करेंगे ना, कोई भी हाइब्रिड का आदमी आएगा और ऐसे कैसे अपन की छावी को अपन से छीन के लेके चला जाएगा। दे दो बेटी। जी भाई साहब, आपने मुझे बुलाया? Yes, I am calling you. तू जिस लड़की को देखने आया है वो और अपन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भला इसमें है कि तू उसे रिजेक्ट कर दे, उस दुकान पे जा और उसे अपन का नाम बता, वो तुझे कुरकुरे देगा, उसे खा और अपने घर चला जा। एक सुंदर सी लड़की के पीछे तेरे जैसे बहुत लंगूर घूमते रहते हैं, जानता है मैं उससे शादी करने वाला हूँ। अपन के एरिया में दिखाई दिया ना तो हाथ पैर तोड़ के यहाँ से भिजवाएगा तेरे को। तूने मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर वाला समझा है, मैं हार्डवेयर के बारे में भी जानता हूँ। अगर तू मर्द है तो आधा घंटा यहाँ रुक, अपने लड़कों को लेकर आता हूँ मैं। अबे जाना, जिसे लेके आना है आजा, अपन डरता है क्या किसी से, जिसे लाना है लेके आ, अपन तुझे उस मैदान में मिलेगा, चल जा। जोश जोश में अपन ने कुछ ज्यादा डायलॉग तो नहीं बोल दिया है, पता नहीं किसे बुलाएगा, क्या करेगा। मैं भी अपनी सेफ्टी के लिए अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ। अपन के प्यारे दोस्त लोग, मेरे अंग रक्षक लोग, दुख सुख के साथ ही हूँ, कहाँ हो तुम लोग, जल्दी आ जाओ, आज अपन की गाड़ी को कोई ठोकने वाला है इसलिए इमीडिएटली अपने एरिया में आ जाओ, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लफड़ा होने की संभावना है। तुम लोग मेरे जिगरी दोस्त हो, मैं तुम्हें अपने दिल में बिठा के रखता हूँ, जानते हो ना तुम लोग। अब क्या हुआ भाई, रुक अभी आता हूँ। तू कभी नहीं सुधरेगा, रुक अभी आता हूँ।
बस निकल ही रहा हूँ भाई। सब लोगों से जवाब आ गया और सब आ भी रहे, लेकिन ये चौथा पंडर अपन का फोन क्यों नहीं उठा? अंग से अंग लगाना सजन मोरे, अंग से अंग से अंग लगाना। गणेश का है, वो इस वक्त फोन क्यों कर रहा है? कोई जरूरी काम होगा, उठा ना। तुम कह रही हो इसलिए उठा लेता हूँ। जल्दी उठाओ ना। बोल बेटा। राजा बाबू, मुझे पता है तू बहुत बिजी है, मुझे लगता है तेरे पास वो गलत हिंदी बोलने वाली बेटी है। तू अब मेरी बात ध्यान से सुन, तू जो भी कर रहा है ना उसको बीच में छोड़ के मेरे पास चला। यार एक जरूरी काम में मैं फंसा हुआ हूँ यार। शाम को मिलते हैं ना। अबे मेरे पिटने के बाद मुझसे मिलने आएगा क्या? कुछ गुंडे लोग अपन को पीटने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए तो तुझे बुला रहा हूँ। अगर तू नहीं आया ना, मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, तुझे मेरी लाश ही मिलेगी देखने को। देखना चाहता है तो आ जा। थोड़ा सा तुम लोग मैनेज कर लो ना यार, मैं आ जाऊंगा ना। दोस्ती प्यार गया भाड़ में। गलत हिंदी वाले के मुंह में जो तू डाल रहा है ना बेटा, अब तू उसी को डाल, अपने दोस्त को भूल जा। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद दोस्ती प्यार सब खत्म। मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, मैं अभी आ रहा हूँ। छे ये हुई ना बात। अरे बापरे, प्यार के खातिर पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। सच में लव जहर है। गणेश, ऐसे रहने से काम नहीं होगा बेटा, तुझे बलवान बनना होगा। हाँ, अपन रेडी है बलवान बनने के लिए। ऐसे सुस्त लोगों को मारने के लिए हमें बुलाया है क्या? अभी इनके दूध के दांत गिरे नहीं और हमसे लड़ने आए हैं। है गणेश, अरे हमारी सुलग रही है। देखो कैसे फुदक रहे हैं, लगता है पागल खाने से छूट कर आए हैं। सालों को फोड़ दूं क्या? hey, हम ड्राइवर लोग हैं, लूज मोशन एक बार रोक सकते हैं लेकिन अपमान नहीं सह सकते। hey, तू फोड़ेगा या मैं फोड़ू इन्हें? अक्षय कुमार की तरह ताव दिखाए ने, संदीप पाजी की तरह 2.5 किलो का हाथ दिखा दे, सिंगम की तरह इन्हें अपना जोश दिखा। गणेश, टाइगर श्रॉफ की तरह डाई मार कर दिखा। वाह, डाई मारकर जमीन पर आते ही सारे टायर्स हवा में उड़ने लगे। सर मैं तो टाटा सोमो उड़ाना चाह रहा था लेकिन टायर ही उड़ा पाया, बजट लो था ना सर इसीलिए नहीं उड़ा पाया। मेरी औकात के हिसाब से टायर उड़ाना ही ठीक था। तूने तो जादू कर दिया है यार, सॉफ्टवेयर वालों का सब कुछ जाम हो गया लगता है। ऐसे कैसे उड़ाए भाई? हाँ, अपन को उड़ाना भी आता है और उखाड़ना भी आता है। जैकी चैन की तरह जंप भी करता है। हाँ, रस्सी के साथ स्टंट करूं ऐसा डमी हीरो नहीं हूँ मैं। ओए, खुद को शाना समझता है क्या? ज्यादा मत बोल, फाइट कर। ए, बोल बच्चन क्या दे रहा है, लड़ेगा क्या? आना बेटा, चीते की तरह लुक दे दे। ये ले, बिच्छू की तरह डंक मार के दिखा, शेर की तरह ललकार सबको। तेरी तो, अब मस्त पंच डायलॉग मार। दोस्तों के लिए दोस्त हूँ मैं और दुश्मनों के लिए दुश्मन।
वाह, तुम तो बहुत जबरदस्त फाइटर हो यार। सर मैं तो फाइट करना चाह रहा था लेकिन कुछ अलग ही हो गया सर। उसने फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। एक्सेप्ट कर ले। या। ओपन गंगनम स्टार। सर हम लोग तो डरपोक थे ही, पर उनके उसमें वो नहीं था। किसमें क्या नहीं था? अरे वही सर, वो गाना है ना अक्षय का, बीप में दम है तो बंद करवा दो। उनकी भी बीप में दम नहीं था सर, बच गए हम। सबने क्या किया? दोस्त होने के बाद पता है हमने क्या किया सर? उन्होंने अपना आइटम निकाला और हमने अपना आइटम निकाला। ये हेलो। हे हाय फ्रेंड्स, टुडे आई मेट माय ग्रेट फ्रेंड्स गणेश भाई। कल तक जो दुश्मन थे वो आज दोस्त हैं। हे ब्रो, तुम भी कुछ बोलो ब्रो। ब्रो, इस शहर में सॉफ्टवेयर का कोई भी काम हो तो आप अपन को बताना, भाई से करवा देगा अपन। जब मिलते हैं यारों के यार, तब चढ़ता है नशा पी लेने पे यार। फोटो देख के लगता है कि सबने बहुत अच्छी पार्टी की है। एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, एक्सेप्ट कर लेना। ये क्या कवर फोटो में तुमने किसी की आंखें डाली हुई है? ऐसा लगता है कहीं देखी है मैंने इसे। सर वो मेरी गर्लफ्रेंड की आंखें हैं। पूरी फोटो भी तो डाल सकते थे ना? नहीं सर। क्यों, तुम नहीं चाहते तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई देखे? ऐसी बात नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखने आया था ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो टच में है क्या? हाँ सर। मतलब दोस्ती काफी गहरी हो गई है? अरे कुछ गहरी नहीं है सर, ये सॉफ्टवेयर और MNC वाले ना फेसबुक पे बहुत क्लोज रहते हैं सर, लेकिन सामने आने के बाद ना भाव भी नहीं देते हैं सर। अरे सब ऐसे नहीं होते भाई। अरे नहीं सर, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। आपको तो पता ही होगा, जब कोई कांड वांड होता है तो फेसबुक पे सबसे ज्यादा वही लोग चिल्लाते हैं सर, लेकिन हम ड्राइवर लोग ऐसे नहीं होते हैं सर। चाहे कोई अन्याय हो या अत्याचार, हम तो सीधे सड़क पे उतर आते हैं सर। यस यस, बिल्कुल सही है। आप सॉफ्टवेयर वाले को देखिए सर, या MNC वाले को देखिए सर, सब सूट बूट पहन के जंक फूड, ये फूड वो फूड खाते रहते हैं और पेट बढ़ा लेते हैं, हमेशा कुर्सी पे बैठ करके शरीर खराब कर देते हैं, और पिछवाड़ा तो पूछिए मत सर, तबला बन जाता है सर, ऐसी जिंदगी किस काम की। अच्छा सर, आप क्या काम करते हैं? तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं ही हूँ। सर ऐसी बात नहीं है सर, पर ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं सर। सर आप रायगढ़ क्यों जा रहे हैं, वीकेंड पे रिलैक्स करने जा रहे हैं क्या? नहीं भाई, कल मेरी शादी है और आज हल्दी की रस्म होनी है मेरी। अब देखिए सर, कल आपकी शादी है और आज निकले हैं आप, इसीलिए मैंने कहा था 7 बजे तक हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे ना। हाँ पक्का सर। वैसे सर लव मैरिज है क्या? नहीं भाई, लव करने के लिए टाइम कहाँ है, अपना तो अरेंज मैरिज है। जिसे पहले देखा वही लड़की मुझे पसंद आ गई, हाँ बोल दिया, शादी फिक्स हो गई। क्या सर, शादी भी इतनी जल्दबाजी में कर रहे हैं? चलिए ठीक है सर, खुश रहिए। देखा उसी का फोन है। हाँ 100 साल जियोगी तुम। मेहंदी लगवा रही हो क्या? गुड। अच्छा तो डेयरी मिल्क कैसे खाओगी? अच्छा ठीक है, मैं ही खिला दूंगा। अभी श्याम नगर पहुंच चुका हूँ। हाँ बस यही 45 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा मैं। ओके बाय। हाँ तो आगे की कहानी सुनाओ। ए, छूना मुना नहीं अपन को। आज ना तुम बहुत ही क्यूट बंदर की तरह लग रहे हो। तुम्हें ना गले लगाने का मन कर रहा है। मुझे देखकर तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता है क्या? अरे अपन को तो बहुत कुछ फील होता है, लेकिन अपन सब कुछ कर भी तो नहीं सकता, फैमिली ऑडियंस है ना अपनी। क्या कहा?
ये मजाक कर रहा हूँ मैं। मजाक का वक्त नहीं। देख मेरी बात सुन, मैं गर्लफ्रेंड को फिल्म या पार्क में ले जाकर कुछ ऐसा वैसा करने वालों में से नहीं हूँ। जिस दिन अपन तुझे छुएगा ना, वो दिन वो जगह बहुत स्पेशल होगी, तभी अपन तेरे को छुएगा। ओह बड़े जेंटलमैन हो तुम तो, रहने दो, अब मैं भी तुम्हें किसी खास दिन ही छूंगी। ए, हमारे लिए तो आज का दिन स्पेशल है, इस छुई मुई को आज ही छूते हैं। देख यार, साले की सकल सूरत भी अच्छी नहीं है और आइटम कितने अच्छे पड़ा रखी है। अंगूर के हाथ में अंगूर का मतलब क्या होता है, ये अपने सामने ही देख लो। अबे इसकी छोड़ यार, इस लड़की को तो अकल होनी चाहिए। हम जैसे रंगीन लड़कों के पीछे पड़ने के बजाय दूध पीने वाले बच्चों के पीछे पड़ी रहती है ये सब। बात तो सही है यार, इन लड़कियों का टेस्ट ही खराब होता है। क्या करेगा, अपन को पता है, अपन जैसे लोग जब ऐसी लड़कियों के साथ घूमते हैं ना, तो तेरे जैसे लोगों की जलती है, जबरदस्त मिर्ची लग जाती है पिछवाड़े में। क्या बोला, अपन दूध पीता हुआ बच्चा है? अगर दम है ना तो आजा, दिखा देता हूँ कैसा दूध पीता हूँ मैं। आज तूने अपन की जानू के बारे में गलत बोला, छोड़ेगा नहीं अपन तेरे को। अपन को टच करता है साला, लग गया। आ जाओ तेरी, चल चल आ जा आ जा आ जा। अबे फटीचरों, तेरी बीप में दम है तो लड़की पटाके दिखाना, ऐसे लड़कियां नहीं पटती हैं। माना कि हम लोग ड्राइवर हैं, गाड़ी में पूरे गांव को घुमाते हैं, लेकिन किसी लड़की को परेशान नहीं करते, वो हमारी अच्छाई देख के पटती हैं, हमारी शक्ल सूरत देख के नहीं। अबे अगर तुम लोग की बीप में दम है ना, तो खुद से एक लड़की पटाके दिखाओ। तुम लोगों ने भगवान श्री राम की कहानी नहीं पढ़ी क्या, कभी किसी गैर औरत पे नजर नहीं डालनी चाहिए। हेलो, अपन का फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं एक लड़की हूँ, घर वालों को डर रहता है, क्या बात है? अरे कुछ नहीं रे, मेरा बॉस किसी काम से अपनी गाड़ी लेकर के गया था, फ्री था तो सोचा कि तुझे कॉल कर लूं। तुम कब तक इस तरह भाड़े की गाड़ी चलाओगे? तुम्हें खुद की गाड़ी लेने की इच्छा नहीं होती क्या? कभी घर जायदाद बनाने की इच्छा नहीं होती है? अपन की स्टार तो कार ही है, अपन तो ठहरा एक गरीब इंसान, अपन के लिए अपनी जानू ही सब कुछ है, वही अपन की जिंदगी है, उसके बिना मेरा कोई भी नहीं है, ये तो भगवान भी जानता है। शान और शौकत अपन को कुछ नहीं चाहिए, अपन को तू चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, ड्राइविंग छोड़कर फिल्मों में क्यों नहीं चले जाते? हेलो, अपन नाटक से ही आया है, पैदाइशी एक्टर है अपन। अगर तेरे को विश्वास ना हो तो कोई भी करेक्टर देके देख, एकदम ड्रॉप चिक करेगा। अगर एक बार अपन की मार्केट में फिल्म आई ना, तो सारे ऑटो टैक्सी हर जगह सिर्फ अपन का ही पोस्टर रहेगा। पता है ना, ड्राइवर शक्ति बहुत बड़ी होती है। देखो मैं अब तक 6 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी हूँ, घर वाले शादी के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं, और तुम लाइफ में सेटल हो गए, ऐसे लक्षण तो दिखाई दे नहीं रहे हैं। 2 साल और इंतजार कर लेना, अपन सारा कर्जा चुका के एक नई कार खरीद के तुझसे शादी कर लेगा। तुम्हें क्या लगता है तब तक मेरे घर वाले चुप रहेंगे? मेरी शादी जल्दी हो जाए इसके लिए उन्होंने मंदिर में मन्नत मांगी है, और इसीलिए आज वो मुझे मंदिर ले जा रहे हैं। ऑन द वे तुम्हारे घर से ही गुजरूंगी। चल मैं तो नहीं आने वाला, तू अकेले जा। नहीं आना है तो मत आओ, मुझे भी कुछ नहीं पड़ी। अमृता तैयार जालिस का है, तेरे बाबा के साथ मंदिर जाना है तुझे। आ रही हूँ माँ। मैं को छूने का नहीं। हाँ शादी के बाद भी पता नहीं छूने दोगे यार। शादी के बाद तो अपन तेरे को बाहों में लेगा जानू। तुम मेरे लिए ताजमहल जैसा कुछ नहीं बनाओगे क्या? हमेशा लड़के ही बनवाते रहेंगे क्या? लड़कों ने ताजमहल और चार मीनार तो बनवा दिया, तू अपन के लिए एक संडास ही बनवा दे। तुम्हें तो अबे लग जाएगी। हमेशा होशियार रहना चाहिए और किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे नमस्ते गणेश बेटा,
पैसे टाइम पर दे रहे हो ना? हाँ अंकल। बहुत अच्छा लड़का है, पैसे हमेशा टाइम पर देता है, बाकी सब के सब मतलबी लोग हैं। मुझसे तुम 6 साल बड़े हो अंकल। जब तक मैं खेलूंगी तब तक तुम मुरझा जाओगे। हेलो, जितना पुराना इंजन होता है उतना ज्यादा चलता है। इन सब चीजों में कम नहीं हो, पैसे दे दो। गणेश, और कितना टाइम लगेगा यार? 10 मिनट लगेगा सर। सर, टायर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्टेपनी हमेशा साथ में रखनी चाहिए सर। क्या पता कब ये टायर धोखा दे दे। क्या हुआ गणेश? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तुम जरा इधर आओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ सर। मैं देखता हूँ। अरे सर, कोई बात नहीं सर। सर, फोन आ रहा है सर। किसका है देखो? स्वीट हार्ट लिखा है सर। मेरी मंगेतर का है, जरा उठा के बात कर लेना। तो सर आप ही बात करिए ना सर। हेलो, वाह सुपर, सब रेडी है ना? हाँ, मैं बस यही कुछ आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा वहां पर। हाँ ओके, बाय स्वीट हार्ट। हमेशा फोन पे अपडेट लेती रहती है मेरा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की पर्सनल लाइफ बिल्कुल नहीं होती यार। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना सर? हाँ बहुत प्यार करती है, और उतना ही पजेसिव भी है वो। फोन उठाने में जरा भी देर हो गई तो बहुत परेशान हो जाती है। गणेश, आज के दिन तुम यहीं रुक जाओ ना, सारी रस्में पूरी होने के बाद कल शादी अटेंड करने के बाद जाना। ये लो अपना पेमेंट। ये क्या सर, आप तो इसे बाद में भी दे सकते थे। इट्स ओके, लेकिन कल तुम्हें शादी के बाद ही जाना है, ठीक है? नहीं सर, वो क्या है कि स्कूल के बच्चों को ड्रॉप और पिकअप करता हूँ ना। ओके, लेकिन अगली बार तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों को मेरे घर आना होगा, ठीक है ना? नहीं सर, मेरी जानू मेरे साथ में नहीं है सर। मतलब? क्या हुआ गणेश, अभी तक तो तुम बहुत ही खुश थे, अचानक क्या हो गया? हेलो स्पीकिंग, कहाँ हो? 2 दिन से नॉट रीचेबल आ रहा है। पुणे स्टेशन से कोल्हापुर तक एक राउंड ट्रिप थी, उन लोग को छोड़ने के बाद अपन इधर चाय पी रहा है। ठीक है, शाम को 6 बजे अपने घर के पास वाले मंदिर आ जाना। हाँ? और आते वक्त सफेद शर्ट और धोती पहनना, और हाँ साथ में 2 हार भी लेकर आना। ए, इतनी जल्दी शादी करने का अपन का कोई इरादा नहीं है। अपन का बॉस है ना, वो बाहर गाँव से आकर के अपन को पैसे देने वाला है। पैसा मिलने के बाद अपन मस्त शादी रचाएगा तेरे साथ। ये मजाक करने का वक्त नहीं है, अगर तुम 6 बजे आ गए ना तो तुमसे शादी करूंगी, नहीं तो किसी और से कर लूंगी, समझ गए? मुझे डरा रही है क्या? तेरे जाने के बाद अपन से शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी। जानू 1 घंटे पहले ही आ जाऊंगा। वैसे तेरे घर वाले क्या कर रहे हैं? अब कुछ मत पूछो, बस तुम टाइम पर पहुँच जाओ। हेलो हेलो, ये भी ना। ये दोस्त लोग भी ना, कोई फोन उठा ही नहीं रहा है अपन का। आखिर कहां रह गए सब के सब?
हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ, पापा भी मेरे साथ आ रहे हैं, तुम उनके सामने मत आना। आखिर ये चल क्या रहा है, तू अपन को बताती क्यों नहीं है साफ साफ? तुम्हें सब पता चल जाएगा, बाय। हेलो, अबे अरे यार, आप ही हैं क्या? हाँ 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 मैं हूँ। आप तैयार होकर यहाँ पर हैं? वो कहाँ है? वो भी आ रही है। सब होने के बाद अच्छी दक्षिणा दी जाएगी, दान पेटी में नहीं थाली में रखना, गणपति बाप्पा अच्छा करेंगे। अच्छा, दक्षिणा देने के बाद ही अच्छा करेंगे? हाँ सही है बड़ू। ठीक है पापा, मैं अभी आती हूँ। बेटा संभल के जाना। हाँ, मैं बाद में आता हूँ लेने, परेशान मत होना। चलता हूँ बेटा। मुहूर्त सही है ना? शुभ मुहूर्त है, सब अच्छा ही होगा। पापा डॉक्टर के पास गए हैं, 10 मिनट में वापस आ जाएंगे, उससे पहले हो जाना चाहिए। हाँ? अगर किस्मत में लिखा होगा ना तो हो ही जाएगा। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? मेरे दोस्त वो देखो आ गए। हैप्पी बर्थडे। गाड़ी को हार डालिए। हाँ। और यह हार भगवान के लिए है। लेकिन अपन की भगवान तो अपन की जानू है। अच्छे से मेहनत करो और लाइफ में सेटल हो जाओ। बस भाई यहीं रोक लो। अरे पापा आ गए, अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलेंगे, ठीक है? बाय। अपना गणेश शादी होगी सोच के बहुत खुश हो गया था। जब तक अपन की जानू अपन के पास है, अपन हमेशा खुशी रहेगा। बाय। Hey, जानू, जानू, जानू! अरे ये क्या हो गया? अमृता! ओफो, हटिए हटिए, आप लोग हटिए हटिए, अंदर अंदर जल्दी, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, अंदर अंदर जल्दी जल्दी, प्लीज जल्दी जल्दी। अमृता! गणेश बात करना, क्यों खामोश बैठा तू? गणेश बोला। अरे संभालो संभालो, अपने आप को संभालो संभालो, हे भगवान। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी बेटी कैसे? देखिए आप लोग, उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी, उसे हम बचा नहीं पाए। जानू, जानू! समाधि समाधि। जा
संभालिए अपने आप को, फॉर्मेलिटीज पूरी करके बॉडी ले सकते हैं। अच्छा सिस्टर। यस डॉक्टर। फॉर्म पे साइन करवा करके हाँ डॉक्टर बॉडी इन्हें सौंप दो। ओके डॉक्टर। जिस दिन अपन तुझे छुएगा ना, वो दिन वो जगह बहुत स्पेशल होगी, तभी अपन तेरे को छुएगा। ओह बड़े जेंटलमैन हो तुम, रहने दो, अब मैं भी तुम्हें किसी खास दिन ही छुऊंगी। जानू 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 क्या हो गया ये जानू जानू। सॉरी गणेश, तुम्हारे दिल में इतना दर्द भरा है मैं नहीं जानता था। आई एम वेरी सॉरी। गणेश सर, तुम्हारी कहानी बहुत ही अच्छी थी लेकिन अंत सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आई एम वेरी सॉरी। चलो अपनी मंगेतर से मिलवाता हूँ। रहने दीजिए सर। चलो गणेश। जाने दीजिए। चलो मेरे साथ चलो। लाइफ केयर हॉस्पिटल में अभी एक पेशेंट एडमिट हुई है जिसकी आंखें जा चुकी है। अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी बेटी की आंखें हम उन्हें दान दे सकते हैं। इस तरह आपकी बेटी की मौत जाया नहीं जाएगी और उसकी आंखों से किसी को नई जिंदगी नई रोशनी मिल जाएगी। ठीक है ना?
अरे अंधेरा हो गया है। कितना भी अंधेरा हो जाए, प्यार के नाम का दिया बनकर मैं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा आती रहूंगी, ठीक है ना? ठीक है। जानू, अपन तेरे पीछे पीछे गाना गाया करता था, तब कैसा लगता था तेरे को? मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैं दिखाती नहीं थी। शादी के बाद तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? अपन को तो लड़की ही चाहिए। मुझे लड़का चाहिए। अगर कहीं जुड़वा बच्चे हो गए तो? उसमें कॉम्प्लिकेशन होती है, मुझे डर लगता है। जानू, अगर तुझे डर लगता है ना, तो अपन बच्चा पैदा ही नहीं करेगा कभी, क्योंकि अपन की बच्ची तो तू है ना। ज्यादा हंसो मत, ज्यादा हंसने वाले बाद में रोते हैं, ऐसा कहते हैं। अपन में ऐसा क्या है, क्यों देखे जा रही है अपन को? ज्यादा देर तक तुम्हें देखूंगी ना तो तुम्हारी तस्वीर मेरी आंखों में बस जाएगी, इसलिए। जानू, तेरे को देखने के लिए ना अपन की ये दो आंखें कम है। तो ठीक है, मैं अपनी आंखें भी तुम्हें दे देती हूँ। कैसी बात कर रही है, किसी और को दान करना। कहते हैं मरने के बाद लोग तारे बन जाते हैं, अगर मैं मर गई तो मैं आसमान से तुम्हें देखती रहूंगी। जानू, दोबारा ऐसी बात मत करना। कहते हैं लव इज पॉइजन, लेकिन मेरी जानू मेरे लिए अमृत है।